हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही टेस्टी और जायकेदार की रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंड्स। हाँ, ये देखिए, आज मैं आप लोगों के फ्रेंड्स खीरे की रायता की रेसिपी ले आई हूँ। सबसे पहले मैंने एक बड़े खीरे को कद्दूकस कर लिया है ग्राइंडर से। आप भी इसको कद्दूकस करके एक बाउल में इसका हल्का सा पानी निकाल कर हाथ से एक बाउल में निकाल लीजिए। इसका ज़्यादा पानी हमको नहीं निकालना है फ्रेंड्स। उसके बाद एक बाउल में इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमने एक उसी हिसाब से एक कटोरी दही को लेकर उसको ग्राइंडर में या फिर ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे, जिससे हमारी दही एकदम उसका मिक्सअप तैयार हो जाए फ्रेंड्स। उसके बाद दही डालने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे काला जीरा, नमक, उसके बाद हरी कटी हुई धनिया, उसके बाद फिर इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची। आप लाल मिर्ची का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने इसमें हरी मिर्ची प्रयोग किया है। फिर उसके बाद आधी चम्मच सादा नमक, उसके बाद मैंने इसमें आधी चम्मच रायता मसाला फ्रेंड्स ऐड किया हुआ है, ये देखिए। उसके बाद फिर मैंने इसमें एक चम्मच सरसों का ऑयल भी ऐड किया है। सरसों का ऑयल डालने से फ्रेंड्स इसका टेस्ट इतना अच्छा निखर के आ जाता है कि मैं क्या बताऊँ, ये देखिए। उसके बाद हम इसको हल्के हाथ से बराबर अच्छी तरीके मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा निखर के आया हुआ है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, और मैंने इसमें तड़का भी करके आपको दिखाया है। अगर आप इसको स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। आप इसको भी खीरे के रायता को ऐसे भी बना के खाने से बहुत ही टेस्टी आता है, मगर तड़का कर देने से फ्रेंड्स इसकी स्वाद और बढ़ जाता है। मैंने इसमें एक पिंच हींग, सबसे पहले हींग इसमें ऐड की हुई है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने एक पिंच हींग इसमें ऐड किया है। उसके बाद हमने इसमें हमने लाल मिर्ची का प्रयोग किया है, और ये देखिए एक चुटकी मैंने इसमें कलर पाउडर भी प्रयोग किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसको ऐड करना चाहे तभी करिए ना, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्ची ऐड किया है फ्रेंड्स, और उसके बाद मैंने इसमें राई ऐड किया हुआ है। अब इसके बाद मैंने इसमें खीरे के रायते पे ये देखिए तड़का रख दिया है। कलर पाउडर डालने से इसका कलर और अच्छी तरीके निखर के आ जाता है फ्रेंड्स। आप इसको ऐड करना चाहिए तभी ऐड करिए, और इसमें रायते में राई का टेस्ट आ जाने से इसका टेस्ट बहुत बहुत ही अच्छा निखर के ऊपर आता है फ्रेंड्स। इस तरह से खीरा के रायता बन के फ्रेंड्स 2 मिनट में झटपट तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय माता दी।